बढ़िया मोमेंटम यूएस में, बैक टू बैक दूसरा ट्रेडिंग सेशन था। परसों 1-1% का बेंचमार्क से उछालता, कल 1-1.5% के उसके ऊपर और तेजी। आज डाउ फ्यूचर्स, नैसडैक फ्यूचर फिर से ग्रीन में ट्रेड करते हुए, तो रिस्क ऑन ट्रेड्स वापस टेबल पे आ गए बड़े ग्लोबल इवेंट्स प्ले आउट होने के बाद। तो रिस्क ऑन ट्रेड्स का फायदा अक्रॉस द ग्लोब। जापान के मार्केट्स ने कई जो रैंक अंडर परफॉर्मर्स हैं वो तक 1.5-2% का उछाल रिजॉइस कर रहे हैं, मोमेंटम स्ट्रांग है। और हमारा एसजेक्स निफ्टी भी दिखा रहा है भाई, कल के गजब के सेशन के बाद हम फ्लैट से माइल्डली इन ग्रीन खुलते हुए नजर आएंगे। ऐसे भी नीरज जी, पिच कैसी है? पिच तो बहुत ही दमदार है, कल के नज़ारे देखिए आप, क्या जबरदस्त है। और वो नज़ारे आज भी कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि पता नहीं यहाँ से क्यों लेके यूएस वाले भी बहुत जबरदस्त खरीदारी कर रहे थे कल, कि यहाँ पे निफ्टी इतना चला तो हम क्यों ना चले। तो कल इसीलिए आज कैचअप रैली यूएस में मची, क्योंकि फेड की खबर तो डिस्काउंट कर चुके थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने निफ्टी को डिस्काउंट करना शुरू किया और गजब की तेज़ी वहाँ पे देखने को मिली क्रॉस द इंडाइसेस। और कहीं कोई दिक्कत नहीं, कच्चे तेल में भी बहुत तेज़ी। वो तो खैर लॉजिकली हमने कही बताया कि वो डिमांड पुश है, उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही क्रूड की ओपनिंग अप की इंडिया से, चाइना से, तो उसकी वजह से तेज़ी बन रही। मार्केट पूरा सेटअप आपके पास। क्विकली मेरी 10 की टीम आप लोग की स्क्रीन पर, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन 10-10 बाय कॉल्स। दिलीप बिल्डकॉन, वो सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलती हुई, अच्छी खबर। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 2.5 लाख शेयर्स खरीद डाले। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर बोर्ड मीट है बायबैक, तो जरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अच्छा मूव आ चुका है, लेकिन बायबैक ऑफ आइज अभी भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। उत्तम शुगर मिल्स को रेटिंग का अपग्रेड आया। इमामी एफएमसीजी लेने का मन था हफ्ते के आखिरी दिन, इमामी में खबर थी 7.5 लाख शेयर्स प्रमोटर्स के प्लेज शेयर्स रिलीज हो गए। एडिशनल आईटीजी फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं इस होप में कि आज चलेगा, लेकिन मुझे नहीं पता आज चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन इवेंचुअली यहां से भी थोड़ी और स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए इस काउंटर को। वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी हो रही है तो आदित्य बिरला कैपिटल, और रब ऑफ होगा शायद इसी ग्रुप की फाइनेंशियल आर्म्स में तो आदित्य बिरला मनी, उसमें भी खरीदारी करने का मन। अपोलो माइक्रोसिस्टम्स डिफेंस का प्ले हो सकता है, और जीएम ब्रिवरीज जाते जाते जीएम का मेंशन। चलिए, खरीदारी पे पूरा फोकस और मूड बनाया एक्सवेंचर ने, और उसकी वजह से इंडियन आईटी कंपनीज पे भी असर देखने को मिलेगा। कंपनीज के रिजल्ट्स आने वाले हैं तो आप ऐसी कमेंट्री सुनेंगे। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और हैप्पीएस्ट माइंड में खरीदारी करिए। कच्चे तेल ने भी मूड बनाया, 77 के ऊपर निकल गया है, तो ऑयल इंडिया, ONGC, HOEC और सेलान जैसे जो डायरेक्ट प्लेयर्स हैं क्रूड प्रोडक्शन से जुड़े हुए, और जो इनके लिए एंसिलरी काम करते हैं अल्फाजियो और जिंदल ड्रिलिंग में भी खरीदारी कर सकते हैं। तो ऑयल और आईटी, अच्छा दोनों इंटरकनेक्टेड थीम है, ऑयल चलता है तो आईटी काम भी बढ़ता है, क्योंकि 50-60 देश केवल तेल की इकोनॉमी पे चलते हैं, तो जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो वो लोग आईटी सर्विसेज भी लेते हैं, खरीदारी करना चाहिए।